आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले तो हमारे मीडिया से जितने भैया लोग हैं, जितने भाई हैं हमारे, आप लोग आए इस मुहूर्त में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल से सबको प्रणाम। और हमारे प्रोड्यूसर भूपेंद्र भगत जी हैं जो 4-5 फिल्मों का मुहूर्त एक साथ कर रहे हैं। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। इसमें सब में डिफरेंट पर तुम दिख रहा है, भगवान के जाने का अलग मैसेज दिखा रहा, क्या कहूँ। एक फिल्म है भगवान की जान, रॉक स्टार, क्रैक फाइटर, क्रैक फाइटर, भारत माता की जय। भाई आप लोग थोड़ा बिगर से तो अलग अलग टाइटल है, अलग अलग फिल्मों का नाम है, तो लुक तो चेंज करना पड़ेगा ना भैया, अपने श्रोता को खुश करने के लिए, जो हमारे भगवान हैं, जो हमको देख के खुश हो और हमको आशीर्वाद दें। पवन जी, बड़ा चुनौती का काम होगा, चार फिल्में होंगी, चारों में अलग अलग किस्म के लोग, तो उसी हिसाब से अलग अलग किस्म की एक्टिंग होगी, शेड अलग अलग होंगे, चैलेंजिंग होगा काफी। सारी जितनी फिल्में हैं, जो जो नाम है, बहुत जितनी टाइटल है फिल्म के, जितना टाइटल बा हमारे दिल के करीब बा, जितना फिल्म हम कहीं हम जितना कर रहा बानी और जितना करब जीवन में, हमार सब दिल के करीब बा। और देखिए क्या है ना, दाल चावल आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, है वही चीज़, लेकिन कब किस एक्टिंग को, कब किस सिंगिंग को हमारे श्रोता जो है वो उसको पसंद कर लें, ये उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि वही भगवान है। और जो जौने फिल्म के ज़्यादा देख लें, जौने गाना के ज़्यादा सुन लें, हिट करा दें, वही अपना फेवरेट हो जाता है। अक्षरा जी, 4-4 फिल्मों के पोस्टर मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, आपको सबसे अच्छा पोस्टर कौन सा लगा? ऑब्वियसली जहाँ जान की बात आएगी, ऑब्वियसली मैं उसको ही पसंद करूँगी, भगवान के जान, वो वन ऑफ द फेवरेट मुझे लग रहा है यहाँ पे है। एंड भारत माता की जय भी जी। दो फिल्में हैं, ट्रैक फाइटर और रॉकस्टार। ट्रैक फाइटर ऐसा लगता है जैसे कोई साउथ की स्टोरी होगी, मतलब उस तरह का पोस्टर मुझे दिख रहा है, और रॉकस्टार पूरा हॉलीवुड वाला दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कॉपी नहीं है। क्रैक फाइटर हमको ये टाइटल हमारे डायरेक्टर जो है सुजीत सिंह जी वही बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, एक ही चीज़ को रिपीट कितना किया जाएगा। क्रैक फाइटर, जिसे खुद को भी लग रहा है कि कुछ नया है, और इसमें काम करके क्रैक फाइटर में मेहनत और करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्रैक फाइटर फिल्म का नाम ही है तो उसमें उल्टा पलटी बहुत करना पड़ेगा, तो सीखना है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस फिल्म में काम करने के लिए। संजय सुपरस्टार आई थी, अब तो रॉकस्टार भी आएगी। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे श्रोता जो भगवान है उन लोगों का आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद बा हमारे ऊपर। अभी डायरेक्ट हम एयरपोर्ट से यहीं पे आ रहे हैं, बहुत दूर सो था मेरा अंबिकापुर, यहाँ से रांची, रांची से 10 घंटा बाई रोड अंबिकापुर, वहाँ सो किया रात भर, फिर 10 घंटा बाई रोड रांची, फिर मुंबई, मुंबई से यहाँ, मेरा गला भी बैठ गया है। लेकिन इन सबके बाद भी आप 4 घंटे जिम के लिए वक्त निकाल लेते हैं? बिल्कुल, मुझे जो देखते हैं, मुझे जो सुनते हैं, मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूँ, उन्हीं के लिए जीता हूँ और उन्हीं के लिए जीना है। भूपेंद्र भगत जी मतलब ठीक है, प्रोड्यूसर हैं, मैं हीरो हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है उनके प्रोडक्शन में काम करके। भूपेंद्र जी माटी से जुड़ल आदमी हमें, तो मुझे भी मिट्टी ही पसंद है ब्रदर, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे इंसान के साथ मिल के काम करने का। सबसे पहले तो जितने लोग मुझे सारे चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रणाम। और
मैं बेहद खुशी की बात है कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का इस मुहूर्त में, बिकॉज चार चार फिल्म की एक साथ शुरुआत एज इन की जा रही है. सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर दोनों को बेस्ट विशेस और तहे दिल से बधाई एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको भी पवन जी. पवन जी, एक साथ चार चार फिल्मों का मूड किया जाता है, लगता नहीं है जिम्मेदारी वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? जिम्मेदारी तो देखी, हमने के भोजपुरी में एक कहावत है, जंजाल निमल लेकिन कंगाल निमल ना. ये हमारे बाप दादा के मुंह से हम सुने हैं. तो ये बहुत भाग्य की बात है कि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास मतलब एक घंटा यहाँ, दो घंटा वहाँ, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ, तरसों कहाँ, फिर यहाँ आना है, फिर मुझे नेक्स्ट डे कहीं जाना है, फिर शूटिंग करना है. तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये सबके नसीब में नहीं है. तो ये इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती. चेहरे पे थकावट है, बहुत थक गया हूँ, लेकिन जगा हूँ, मुहूर्त में आया हूँ, क्योंकि इसी से मैं हूँ जो मुझे हमारे श्रोता देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, ताली बजाते हैं, मुझे उसी के लिए जीना है. शायद तालियों में थकावट नहीं छूट जाती होगी. अपोन जी, फिल्म भारत माता की जय, बॉर्डर पे भी आज कुछ छैसा ही हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ फायरिंग की गई, 23 साल का एक कैप्टन शहीद हो गया, 3 जवान और शहीद हो गए. लगता नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ जवाब देना चाहिए, कम से कम सिनेमा के लिए? मैं एक कलाकार हूँ, ये आप अभी बताए तो मुझे पता चला. ये हमारे देश के जवान जो शहीद हुए, ये बहुत दुखद समाचार है. एक आर्टिस्ट होने के नाते हम तो जवाब देते ही हैं, देंगे ही, और भारत माता की जय जो फिल्म बनेगी उससे हम जरूर बताएंगे कि ऐसा ना हो. इतना देश के जवान ही हैं कि हम जो रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं, तो उनके ऊपर संकट ना आए. बार बार ये जो हो जा रहा है, ये बहुत, ये हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है. तो इस पे थोड़ा सा हम सरकार से भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि बार बार ऐसा दुखद समाचार सुनने को ना मिले. और फिल्मों के द्वारा हम जरूर बताएंगे, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टिंग करके ही बताऊँगा कि हाँ ऐसे है और ऐसे नहीं होने देंगे हम. जय हो. बात की जाए फौजी की, तो आपकी होली भी आई है, हिंदुस्तान की होली, तो वो देखिए फौजियों को ही डेडिकेट किया है आपने. अभी वो गाना आया नहीं है, अभी मार्केट में वो गाना आया नहीं है. क्या करें, क्या करिएगा, गला बैठ गया है. और लेकिन मुझे गाना है, और गाना अभी मैं हमारे मनोज मतलबी जी, हमारे फेवरेट राइटर, बहुत दिल के करीब, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा गीत को सजाए हैं, और हमारे मनोज मतलबी भैया गाने को लिखे हैं, मधुकर आनंद जी हैं, तो गाएंगे. और गाना जब आएगा मार्केट में तो आप लोग सुनेंगे हैं कि हाँ गाने में क्या है और उस गाने के जरिए हम क्या संदेश देना चाहते हैं. किस बारे में? हिंदुस्तान के. जैसा कि हर बार एक धमाकेदार एल्बम लेके हम लोग आते हैं पवन जी के आशीर्वाद से, तो इस बार भी यही उम्मीद है कि अभी तक 2-3 गाने जो रिलीज हुए हैं उस पे हमारे जो जितने भी श्रोतागण हैं सभी लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद प्यार मिला है. और उम्मीद है इस एल्बम का और भी गाना जब रिलीज़ होगा, उम्मीद है कि आगे भी हमारे गानों को इतना ही पसंद करेंगे लोग और इतना ही आशीर्वाद देंगे. और गुजारिश भी यही करती हूँ कि प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए. जय हो. थैंक यू. आप देख रहे हैं अपना समाचार.